राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश सहित 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की एक सीट पर जो उपचुनाव होगा, 21 अगस्त को नामांकन की आखिरी तारीख इसकी है और नाम वापस लेने की जो अंतिम तिथि है वो 26 अगस्त तय की गई है। 3 सितंबर की सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और 3 सितंबर को ही परिणाम घोषित किए जाएंगे। तैयारियां क्या चल रही हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जी वासु, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए देशभर की कई राज्यसभा की जो सीटें हैं जो खाली हुई हैं उन पर उपचुनाव होना है और ये संभवतः सभी सीटें जो पहले यहां से राज्यसभा के सांसद थे अलग अलग राज्यों से उनके लोकसभा में चुने जाने के बाद, क्योंकि हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए हैं तो ये सीटें रिक्त हुई हैं। मध्यप्रदेश में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो राज्यसभा के सांसद थे मध्यप्रदेश से, उनके लोकसभा जाने के बाद गुना शिवपुरी से ये सीट जो है वो रिक्त हो गई है और अब इस सीट पर उपचुनाव होगा। देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी इस सीट से अब अपना उम्मीदवार किसे बनाती। ये खबरें जरूर सामने आई थी कि केपी यादव, जिनकी जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में उतारा गया था गुना शिवपुरी सीट से, उन्हें जो है वो बीजेपी टिकट देकर राज्यसभा भेज सकती है, क्योंकि जिस तरीके के मध्यप्रदेश में समीकरण है 230 विधायकों में 160 से अधिक जो विधायक हैं वो फिलहाल भाजपा के पास है और इसमें तय माना जा रहा है कि बीजेपी जो है वो विन विन सिचुएशन में है। अब बीजेपी को यह तय करना होगा कि वो कौन सा अपना कैंडिडेट उतारती है, क्या जाती है, क्या क्षेत्रीय क्या सियासी समीकरण को देखा जाता है, क्या मध्यप्रदेश के किसी नेता को मौका मिलता है या फिर देश के किसी अन्य नेता को या केंद्र के किसी नेता को मध्यप्रदेश से राज्यसभा भेजा जाता है। ये सारे समीकरणों को लेकर पार्टी के अंदर चर्चाओं का दौर जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि आज से नामांकन चालू हो गया है। 21 तारीख तक यानी करीब एक हफ्ता तक ये पूरी प्रक्रिया चलने वाली है और उसके बाद आगे की तमाम जो प्रक्रिया है उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन बीजेपी की ये कोशिश है कि जिस भी कैंडिडेट को उतारा जाए उसके जरिए प्रदेश के तमाम सियासी समीकरण साधे जाए और ऐसे कई नेता हैं जिन्हें बीजेपी ने अलग अलग तरीके से जिम्मेदारियां दे रखी हैं। तो राज्यसभा के चुनाव जो है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और मध्यप्रदेश का इस बार प्रतिनिधित्व करने का मौका ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह पर राज्यसभा में किसे मिलेगा ये जरूर देखने वाली बात होगी। आशीष वासु, नजर बनाए रखिएगा, आप डिटेल्स आगे आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और जीतू पटवारी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में मुलाकात की और इस दौरान जीतू पटवारी ने हाल ही में मध्यप्रदेश में अलग अलग जिलों में हुए कांग्रेस के प्रदर्शन की जानकारी दी। वहीं मध्यप्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी को लेकर भी उनसे चर्चा हुई। और मध्य प्रदेश के किसानों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलाया है और स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कृषि मंत्री ने मध्य प्रदेश के किसानों को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया है। देर रात भोपाल से दिल्ली के लिए कई किसान रवाना हुए हैं और इस स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के समारोह में ये मध्य प्रदेश के किसान शामिल होंगे जो दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। और आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री के बुलावे पर ये सभी किसान दिल्ली जा रहे हैं। बढ़ते आगे, कवर्धा में नाबालिग लड़की की हत्या का एक मामला, जहां नशेड़ी एक शख्स ने डंडे से पीट पीट कर नाबालिग की हत्या कर दी। इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। आरोपी शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी मिल रही है कवर्धा से, जहां एक नाबालिग लड़की की एक शख्स ने डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी जो नशे का आदी है और इस नशेड़ी की इस हरकत पर अब क्या कुछ कार्रवाई चल रही है बात करेंगे हमारे सहयोगी मनीष मिश्रा इस वक्त जुड़ गए। मनीष, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है आरोपी के खिलाफ और क्यों इसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया? बिल्कुल, आज जिस तरह से जानकारी जो सामने आई है उसके मुताबिक युवक नशे का आदी था, आए दिन जो है इस तरह की लड़ाई झगड़ा और विवाद करता था। ये जो नाबालिग लड़की है ये स्कूल से लौट रही थी, स्कूल से लौटने के दौरान वो उसे चिढ़ाने का प्रयास कर रहा था, लगातार कुछ ना कुछ उसे कमेंट करता था जिससे वो मना करती थी। तो इसी बात से गुस्से में आकर इनके बीच तूतू ममे हुई और जो युवक है वो पास में रखे हुए डंडे से लगातार उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार करके वहां से भागने का प्रयास किया, जिसके बाद इस घटना की जानकारी परिजनों को हुई। परिजनों ने घायल अवस्था में और नाबालिग लड़की थी उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी जो युवक है उसे गिरफ्तार कर लिया, उसे पूछताछ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।